धन्य ऐसी माताएं भी जो अपनी कोख से ऐसे बालकों को जन्म देती हैं जो देश की रक्षा के लिए जाते हैं, फौजी बनते हैं। धन्य ऐसी पत्नियों को जो ऐसे पतियों का चुनाव करती हैं जो फौजी बनते हैं। हम तो यहाँ आनंद के साथ बैठे रहते हैं, कथा भागवत सुन रहे होते, सत्संग पूजा पाठ अपने बालकों के उन आनंदों में मस्त होते हैं, लेकिन वो अपने घर से अपने बेटे को, अपने पति को वहां भेजती हैं जिससे हम लोग सुख और चैन से सो सके। मैं ये इसलिए कह बोल रही हूँ, कभी कभी मुझे कई लोग ऐसी बातें करते हैं ना कि उनको तो अच्छा वो बोनस मिलता है, उनको तो उन अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन सुख से ज्यादा व्यक्ति की प्राणों की कीमत होती है ना। कोई व्यक्ति अपने परिवार से अलग हो जाए वो सुख सुख नहीं होता। सुख वो है कि भले उसे छोटा और थोड़ा मिले, लेकिन परिवार के बीच में वो अपने माता पिता, अपनी पत्नी, उन सबके बीच में अपने बच्चों को खिला सके। लेकिन आप बताइए, उन्हें पूरा पूरा साल, चार चार साल हो जाती हैं, एक एक साल हो जाती हैं, कभी कभी त्योहारों पे भी नहीं आ पाते, प्रेम भी नहीं कर पाते, और ऐसा जीवन निकल जाता है उनका। हमें गर्व करना चाहिए, उनके परिवारों को सम्मान करना चाहिए कि इतना बड़ा त्याग किया। बेचारों को तो पता भी नहीं, ये उम्मीद भी होती है कि हे भगवान हमारा बेटे को कुशल हो, कुशल हो। कई कई जगह ऐसे होते जहाँ फोन सिस्टम नहीं होते, कॉल नहीं लग पाती घर वालों को, बड़ी पाबंदियां होती है, ऐसी ऐसी जगह होती है, और आर्मी की तो रूल रेगुलेशन ही बहुत होते हैं कि यहाँ नहीं जाना, ऐसे लोगों से, अपरिचित लोगों से नहीं मिलना, यहाँ एसटीडी कॉल नहीं कर सकते तुम, कहीं हमारी कोई बात तो नहीं। तो उन पर बड़ी विशेष नजर रखी जाती है जिन जो ज्यादा ऐसी जगह पर कार्य कर रहे होते हैं या तैनात होते हैं।